नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है मटेरियल की। इसके अंदर भी करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हम सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही करते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है। और ये जो थ्योरी का क्वेश्चन है, ये आपके थ्योरी में भी काम आएगा और साथ के साथ प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। तो आपको करना क्या है, मेथड्स ऑफ प्राइसिंग द मटेरियल इशू। आप जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक स्टोर रूम होता है जिसके अंदर सारा का माल जो है वो रखा जाता है। तो जैसे यहाँ पर हम माल इस तरह से रिसीव करते हैं, फिर उसको रखते हैं और फिर बाद में उसको हम इशू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिसिप्ट होती है और फिर इसे हम इशू करते हैं प्रोडक्शन के लिए। लेकिन जब इसे इशू करते हैं तो ये जो इशू है तो ये एक पर्टिकुलर प्राइस पर होता है। तो वो प्राइस कौन सा होगा, वही है ये पूरा का पूरा टॉपिक। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला इसके अंदर जो मेथड है वो है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि इसका नाम बता रहा है, जो सबसे पहले आया है वही जाएगा, जो माल सबसे पहले आया है वही जाएगा। तो बहुत सिंपल सा इसका मेथड है, देख लेते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल इन द ऑर्डर इन विच दे आर परचेस्ड। जिस ऑर्डर में माल खरीदा है उसी ऑर्डर में माल जाएगा। जैसे आपने खरीदा लॉट 1, लॉट 2, लॉट 3, इस तरह से। तो अब माल इशू होना है तो सबसे पहले कौन सा होगा, पहले इसमें से इशू होगा, तब तक जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर इसमें से माल इशू होगा, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता, इस तरीके से होगा। इन अदर वर्ड्स द मटेरियल्स आर इशूड इन द ऑर्डर इन विच दे अराइव इन द स्टोर। आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जिस ऑर्डर में, जिस क्रम में माल स्टोर में आया उसी क्रम में बाहर जाएगा। दिस मेथड इज़ कंसिडर्ड सुटेबल इन टाइम्स ऑफ, ये भी कई बार पूछा जाता है कि किसके लिए सुटेबल है, इन टाइम्स ऑफ फॉलिंग प्राइसेस, जब जो प्राइसेस है वो गिर रहे हों। अब ये तीनों लॉट आए हैं तो इनका कोई ना कोई प्राइस होगा, ये किसी ना किसी प्राइस पे खरीदे होंगे। तो जब प्राइसेस गिर रहे हों तब ये मेथड सही रहता है, बिकॉज द मटेरियल कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन विल बी हाई। क्योंकि इस तरीके से क्या होगा, जो पहला लॉट है उसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा होगी, दूसरे लॉट की कॉस्ट उससे कम होगी, तीसरे लॉट की कॉस्ट उससे कम होगी। तो जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी, इस तरीके से प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा आएगी, वाइल द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लो। लेकिन जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी, जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी मटेरियल की, यानी कि इसके बाद जो अगली वाली होगी, वो जो गैप है वो कम होगी। इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल। जब प्राइसेस बढ़ रहे हों तो ये सुटेबल नहीं है मेथड, गिरते हुए प्राइसेस के केस में ही ये सुटेबल है। अब देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। पहली बात तो भाई ये बहुत सिंपल टेक्निक है, सिंपल है, इजी है, जो पहले आया वो फिर हो जाएगा। इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइसेस ये मेथड जो है बढ़िया रिजल्ट देता है आपके पास, क्योंकि इससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है, ऑन पेपर। फिर आपकी है क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट्स द मार्केट प्राइस, इससे क्या है आपको मार्केट प्राइस भी देखने को मिलता है। इफ़ द प्राइसेस फ्लक्चुएट फ्रीक्वेंटली, अगर प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी गिर रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं, दिस मेथड में लीड टू क्लरिकल एरर्स। तो इससे क्या होगा, आपको ऐसा देखने को लगेगा जैसे कि आपके रिकॉर्ड सही नहीं बने हैं, क्योंकि कभी माल सस्ता आ रहा है, कभी महंगा आ रहा है, कभी सस्ता आ रहा है, कभी महंगा आ रहा है, लेकिन आप पहले उसे ही इशू कर रहे हैं जो सबसे पहले आया था। इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल, अगर प्राइसेस बढ़ते हुए हैं तो ये मेथड सुटेबल नहीं है। द मटेरियल कॉस्ट चार्ज टू सेम जॉब्स आर लाइकली टू शो डिफरेंट रेट्स। देखिए, मटेरियल कॉस्ट चार्ज टू सेम जॉब, ऐसे हो सकता है जैसे कोई एक ये पर्टिकुलर जॉब है, अब इस जॉब पर कभी एक बार ये मटेरियल आया, फिर कभी दूसरी बार ये मटेरियल आया, तीसरी बार ये मटेरियल आया, अब इनके जो प्राइसेस हैं उन प्राइसेस के अंदर जो है वो डिफरेंसेस हैं, तो एक ही जॉब पर अलग अलग प्राइसेस वाले मटेरियल आ रहा है, तो फिर अब इससे क्या होता है, जो डिफरेंट रेट्स हो गए ना
तो कई बार फिर उससे जो है सही अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, यूनिफॉर्म रिजल्ट नहीं मिलता है। इसके बाद है हमारा लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट, लास्ट का क्या मतलब होता है? लास्ट का मतलब होता है पिछला। तो यहाँ पर तरीका ये है कि जो ठीक पिछली बार आया है सबसे पहले वो जाएगा। ये मैं अगर आपको जैसे समझाऊँ, जैसे आपने बनाया लॉट वन, फिर आपके पास आया लॉट टू, फिर आपके पास आया लॉट थ्री। अब इसके बाद आप मटेरियल इशू कर रहे हैं, तो अब जब आप ये वाला इशू कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे पिछला वाला कौन सा है? ठीक पिछला वाला, ठीक पिछले वाला है ये। तो सबसे पहले आप इसे ख़त्म करेंगे, पहले इसी में से जाएगा जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता, फिर इसमें से जाएगा जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। इस तरीके से ये होता है। इसके बाद अगर हम अगला देखें, अंडर दिस मैथड द प्राइसेज ऑफ लास्ट रिसीव्ड, ठीक है, जो आपको पिछली बार आया, लास्ट रिसीव्ड बैच या लॉट आर यूज फॉर प्राइसिंग द इश्यूज़ अनटिल इट इज़ एग्जॉस्टेड एंड सो ऑन। जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप उसी में से देते रहेंगे। ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी पीरियड, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हों तो, और द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस, जब प्राइसेस बढ़ रहे हों तब ये जो मेथड है ये आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देता है, क्योंकि इससे जो आपकी कॉस्ट है, हेल्प टू इंश्योर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइंड अप्रॉक्सीमेटली ऑन द अबव बेसिस इज अप्रॉक्सीमेटली द करंट वन। क्योंकि इससे क्या हुआ कि आपको एकदम लेटेस्ट प्राइस देखने को मिलता है। आप यहाँ पर इशू कर रहे हैं और आपको प्राइस कौन सा देखने को मिला? एकदम लेटेस्ट, ठीक है, तो आपसे आपको एकदम करंट वाला प्राइस मिलता है। अंडर लीफो स्टॉक्स वुड बी वैल्यूड एट ओल्ड प्राइसेस बट नो प्रजेंट द करंट प्राइसेस। लीफो मेथड के अंदर क्या होता है, जो स्टॉक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है, उसको हम ओल्ड प्राइस पर ही शो करते हैं, बट नॉट प्रेजेंट द करंट प्राइसेस, और करंट प्राइसेस पर हम शो नहीं करते, यह स्टॉक की बात हो रही है। दिस मेथड इज़ सिंपल टू ऑपरेट, पहली बात तो ये सिंपल है, एंड इज़ क्वाइट यूजफुल वेयर ट्रांजेक्शन्स आर नॉट टू मैनी, जब ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा नहीं हो तो ये मेथड जो है सही रहता है अप्लाई करना। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स इशूड will be either near to or and or will reflect the current market price। जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल पिछला वाला ही इसके अंदर रेट अप्लाई होता है, तो वो करंट मार्केट को, करंट रेट को जो है वो शो करता है। इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइसेस, अगर प्राइसेस गिर रहे हों तो प्रॉफिट टेंड्स टू राइज, तो आपके प्रॉफिट ना बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लो मटेरियल कॉस्ट शो कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि अगर फॉलिंग प्राइसेस हों, अगर आपके जो प्राइसेस है वो उस तरह से गिर रहे हैं, अब आपने सबसे पहले ये वाला इशू किया, तो आपने तो कम प्राइस वाला लगाया, तो जिससे आपकी कॉस्ट कम आएगी प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद है डिसएडवांटेजेस, कंप्यूटेशंस बिकम कॉम्प्लिकेटेड, ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हुई तो। ये मेथड्स ना आपको बहुत ज़्यादा समझ में तभी आते हैं जब आप प्रैक्टिकल भी करते हैं, तो प्रैक्टिकल में ये आपको समझ में आ जाएंगे। कंपनीज हैविंग जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम विल फेस दिस प्रॉब्लम मोर, जो कंपनी जस्ट इन टाइम का सिस्टम अप्लाई कर रही हैं कि जब ज़रूरत होगी तो तभी उसी हिसाब से ऑर्डर्स करे जाएंगे, तो उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ जाती है कॉम्प्लिकेशन वाली। कंपेरिजन ऑफ कॉस्ट डिफरेंट जॉब्स बिकम डिफिकल्ट, कंपेरिजन में भी इसके अंदर दिक्कत आती है, क्योंकि हम बिल्कुल लेटेस्ट वाला लेते हैं और कई बार पिछला वाला माल पड़ा रह जाता है। अब ये जो हमने पढ़ा इसके आधार पर, ये भी कई बार ना 3-4 नंबर का वो पूछ लेता है कि भाई डिफरेंस बताओ फीफो और लीफो के अंदर क्या डिफरेंस है, तो अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन मटेरियल्स विच आर रिसीव्ड फर्स्ट आर इश्यूड फर्स्ट, जो पहले आया है पहले वो जाएगा, और लीफो के अंदर जो लास्ट में रिसीव किया है पहले वो जाएगा। सिंपल सी बात है, फीफो के अंदर क्लोजिंग स्टॉक का जो प्राइस है वो लेटेस्ट नए वाले प्राइस पर कैलकुलेट होता है, लेकिन लीफो के अंदर पुराने प्राइस पर ही कैलकुलेट होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इन टाइम्स ऑफ राइजिंग मटेरियल प्राइसेस, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हों तो फीफो आपको हायर प्रॉफिट देता है, ज़्यादा प्रॉफिट देता है, क्योंकि इससे जो कॉस्ट है उसकी वो कम हो जाती है। और राइजिंग प्राइसेस के मामले में
जो आपका लीफो है वो आपको कम प्राइस देता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसको आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो समझ जाएंगे। आइए अगला देखते हैं। अब हम अगला हमारे पास है भाई बेस स्टॉक मेथड। अब मिनिमम क्वांटिटी, ये मिनिमम लेवल से संबंधित है। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक अंडर दिस मेथड इज ऑलवेज हेल्ड एट अ फिक्स प्राइस एज रिजर्व इन द स्टॉक टू मीट द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। जैसे गाड़ी में रिजर्व होता है पेट्रोल का रिजर्व, जो इमरजेंसी में काम आता है, ऐसे ही स्टॉक में भी एक मिनिमम लेवल होता है जो इमरजेंसी में काम होता है, ये उसी पर ही आधारित है। द मिनिमम स्टॉक इज नोन एज बेस स्टॉक। जो मिनिमम स्टॉक है उसी को हम बेस स्टॉक बोलते हैं। एंड इज वैल्यूड एट अ प्राइस एट विच द फर्स्ट लॉट ऑफ मटेरियल इज रिसीव्ड। और ये जो पहला लॉट हमें मिलता है उसके आधार पर ही कैलकुलेट होता है एंड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय सब्सिक्वेंट प्राइस फ्लक्चुएशन। और अगर बाद में कोई प्राइस में उतार चढ़ाव होते हैं तो उसका इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। द क्वान्टिटी इन एक्सेस ऑफ द बेस स्टॉक मे बी वैल्यूड ईदर ऑन लीफो बेसिस और फीफो बेसिस। अगर इस बेस स्टॉक से ज़्यादा आपके पास मटेरियल है तो उसकी कैलकुलेशन लीफो या फिर फीफो के आधार पर हो सकती है। दिस मैथड इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट मैथड। ये इंडिपेंडेंट मैथड नहीं है क्योंकि इसके अंदर फीफो और लीफो मेथड अप्लाई हो रहे हैं। अब इसके जो फ़ायदे हैं और जो नुकसान हैं वो वही हो जाएंगे जो दूसरे मेथड के हैं। फीफो अप्लाई किया तो फीफो के और लीफो अप्लाई किया तो लीफो के। अगला है हमारे पास स्पेसिफिक प्राइस मेथड। दिस मेथड इज़ यूजफुल स्पेशली व्हेन द मटेरियल्स आर परचेज्ड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। मतलब जनरली माल वो खरीदते नहीं है लेकिन एक खास ऑर्डर आया और उस खास ऑर्डर के लिए कुछ खास मटेरियल खरीदना पड़ रहा है, तब स्पेसिफिक प्राइस अप्लाई होगा खास जॉब के लिए, खास वर्क ऑर्डर के लिए। एज सच दिस मटेरियल्स आर इशूड सब्सिक्वेंटली टू दैट स्पेसिफिक जॉब और वर्क, क्योंकि वो उस खास काम के लिए ही इशू करे जाएंगे मटेरियल ऑर्डर एट द प्राइस एट विच दे वर परचेज्ड। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस टू स्पेसिफिक जॉब रिप्रेजेंट एक्चुअल एंड करेक्ट कॉस्ट। अब इसमें जो कॉस्ट ली जाती है तो वो एक्चुअल ली जाती है और एकदम सही ली जाती है। दिस मेथड इज़ स्पेसिफिक फॉर नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। जो नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ये मेथड अप्लाई होता है। दिस मेथड इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट स्पेशली व्हेन परचेजेस एंड इश्यूज आर न्यूमरस। अगर आपके परचेज और इशू बहुत ज़्यादा हैं तो अब ये मेथड आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये सिर्फ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, खास प्रोडक्ट्स के लिए ये ठीक रहेगा। अगला हमारे पास आता है सिंपल एवरेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। अंडर दिस मेथड मटेरियल्स आर इश्यूड एट वैल्यूड एट एवरेज प्राइस। इसमें एवरेज प्राइस पर माल इशू होता है। अभी एवरेज प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा? विच इज़ कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ ऑल यूनिट्स रेट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। जितना भी आपके पास माल पड़ा है आप उसकी ले लीजिए कि आपके पास कितने वो यूनिट्स हैं और फिर उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ़ यूनिट के साथ, तो उससे आपको वो मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने 10 यूनिट लिए 2 रुपये पर, फिर आपने 12 यूनिट लिए 3 रुपये पर, फिर आपने 20 यूनिट लिए 5 रुपये पर, और फिर आपने 15 यूनिट लिए 2 रुपये पर, इस तरह से। अब आप ये देखो कि ये प्राइसेस का आपका टोटल कितना हो गया, ये हो गया 12 रुपये, ठीक है। और ये हैं कितने, 1 2 3 4 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो 3 रुपये आपका हो जाएगा एवरेज प्राइस। देखिए टोटल ऑफ यूनिट्स प्राइसेस, ये जो प्राइसेस हैं आपको ये प्राइसेस लेने हैं, इसका प्राइस का टोटल ईच परचेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, और इसको आप टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे कि ये हैं कितने आपके पास, ना ये 4 है ना, तो ये 4 में आपने डिवाइड कर दिया प्राइस को। इसके बाद दिस मेथड इज़ यूजफुल व्हेन द मटेरियल्स आर रिसीव्ड इन यूनिफॉर्म लॉट्स। अगर आपके पास एक जैसे लॉट्स आ रहे हैं, सिमिलर हैं, तो फिर ये मेथड जो है वो आपके लिए ठीक रहेगा और प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए।
अब इसके बाद आता है अगला पीरियोडिक सिंपल एवरेज। अब है तो ये भी सिंपल एवरेज ही, लेकिन पीरियोडिक है ना, तो इसलिए आप पूरे पीरियड का एक साथ लेंगे, इसलिए आप पूरे पीरियड के जो प्राइसेस हैं वो सब एक साथ लेंगे। दिस मेथड इज़ सिमिलर टू सिंपल एवरेज, ऊपर वाले के जैसा ही है, एक्सेप्ट बस एक चीज़ में फ़र्क है, दैट द एवरेज प्राइस इज़ कैलकुलेटेड एट द एंड। हम पीरियड एंड होने के बाद में इसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें सारे के सारे प्राइसेस देखने होते हैं एंड ऑफ द कंसर्न पीरियड। इन अदर वर्ड, द प्राइस पेड ड्यूरिंग द पीरियड फॉर डिफरेंट लॉट्स ऑफ मटेरियल परचेज्ड आर एडेड अप एंड द टोटल इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ परचेज मेड ड्यूरिंग द पीरियड। अभी जैसे क्या, अभी यहाँ पर एक इशू होना था, तो उस इशू से पहले ये जितने भी अवेलेबल थे हमने उनका एवरेज कर दिया। लेकिन पीरियोडिक सिंपल एवरेज प्राइस में क्या होगा, पहले हम सारे आने देंगे, रिसीव होने देंगे पूरे महीने के, फिर उसके बाद जो कैलकुलेशन होगी वो पूरे महीने के लिए होगी, ठीक है। बाकी जब कैलकुलेशंस देखेंगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तब ज़्यादा समझ में आ जाता है तुरंत। इसमें क्या है, द रेट सो कंप्यूटेड इज देन यूज्ड टू प्राइस ऑल द इशू मेड, और फिर इस तरह से जो एक प्राइस हमारे पास आ जाएगा उसी पर हम सारे के सारे इशू कर देंगे जितने भी इशू होंगे उस महीने के। ऑल्सो फॉर वैल्यूइंग द क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग स्टॉक भी जो होगा वो उसी प्राइस पर कैलकुलेट होगा। अब इसके बाद आता है, अंडर दिस मेथड द रेट फॉर मटेरियल इशू इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ पीरियोडिक सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ पीरियड्स बाय द नंबर ऑफ पीरियड्स। अब इसमें क्या है, अब हम इसके अंदर जैसे कैलकुलेट करेंगे 3 महीने का या 4 महीने का, जैसे भी कंपनी कहेगी उस हिसाब से। तो जैसे हम मंथली वाइज तो करेंगे तो वो पिछले वाले मेथड जैसा हो जाएगा, सिंपल एवरेज या पीरियोडिक एवरेज। और अगर हम मूविंग सिंपल एवरेज अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर पहले हमें जो है वो मंथली वाले रेट्स अवेलेबल होने चाहिए। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे 3 महीने का एक साथ ले लेंगे उसका एवरेज कर लेंगे, या 4 महीने का एक साथ ले लेंगे उसका एवरेज कर लेंगे। फॉर डिटरमाइनिंग द मूविंग सिंपल एवरेज कैसे करेंगे, इट इज़ नेसेसरी टू फिक्स अप फर्स्ट पीरियड टू बी टेकन फॉर डिटरमाइनिंग द एवरेज। हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ से शुरू करना है। सपोज़ द 3 मंथ्स, हम मान लीजिए 3 महीने का पीरियड लेके चलते हैं, इज़ डिसाइडेड अपॉन एंड मूविंग एवरेज रेट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, और आप अप्रैल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब 3 महीने का करा है और अप्रैल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अप्रैल से पहले 3 महीने हो गए, जनवरी फरवरी मार्च। अंडर सच सिचुएशन वी हैव टू मेक अ सिंपल लिस्ट ऑफ सिंपल एवरेज। तो पहले हमें सिंपल एवरेज वाला जो ऊपर मेथड हमने पढ़ा वो देखना होगा, फॉर जनवरी टू मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, इन 3 के लिए हम सिंपल एवरेज कर लेंगे, फिर हम उनको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से। तो इस तरीके से होगा, अगर 4 महीने का होगा तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ये इसके अंदर तरीका होता है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे वाले एक एक महीना छोड़ते जाएंगे। अगला हमारे पास आता है भाई वेटेड एवरेज। अब इस वेटेड एवरेज में क्या है, जैसे हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, यूनिट्स होता है, फिर उसका रेट होता है, उसका रेट होता है हमारे पास, और फिर हमारे पास उसका अमाउंट होता है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम रेट इस्तेमाल कर रहे थे कि रेट को हम नंबर से डिवाइड कर देते थे, अब जो है अमाउंट आएगा। दिस मेथड रिमूव्स द लिमिटेशन ऑफ सिंपल एवरेज मेथड, ये सिंपल एवरेज मेथड में जो कमी है उसको दूर करता है। इन दैट इट ऑल्सो टेक्स इन टू अकाउंट द क्वान्टिटीज़ विच आर यूज एज वेट्स इन ऑर्डर टू फाइंड द इशू प्राइस। दिस मैथड यूज टोटल कॉस्ट ऑफ, देखिए टोटल कॉस्ट ले रहा है यानी अमाउंट वाला, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर इशू डिवाइडेड बाय द क्वान्टिटी, क्वान्टिटी से आप इसको डिवाइड कर देंगे, ये आपका अमाउंट हो गया, इसको आप क्वान्टिटी से डिवाइड कर देंगे तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एक रेट, ठीक है ना, और वो रेट से फिर हम इशू कर देंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन द स्टॉक, टोटल क्वांटिटी, सिंपल सी बात है। इसके बाद हमारा अगला मेथड आता है पीरियोडिक। अब जब भी पीरियोडिक आएगा तो पूरे पीरियड का करेंगे आप, पूरे महीने की सारी एंट्रीज कर लेने के बाद। अब जो काम हमने ऊपर करा एक के लिए, अब उसी को हम कर देंगे पूरे पीरियड के लिए। दिस मेथड इज सिमिलर टू द वेटेड एवरेज प्राइस। तो आप क्या करेंगे, आप सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे,
आपके पास यूनिट्स होगा, रेट होगा और अमाउंट होगा। अब आप इसको क्या करो, ये सारी एंट्री कर लो पूरे महीने की, और फिर सारे के सारे जो अमाउंट्स हैं वो सारे जोड़ लो और इसको डिवाइड कर दो सारे के सारे यूनिट्स के साथ। इससे जो रेट आएगा उस रेट पर सारे के सारे इशू हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला है मूविंग वेटेड। अब ये मूविंग वेटेड भी बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसे हमारा सिंपल एवरेज वाले में मूविंग चल रहा था, देर इज़ नो चेंज। इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ लिखा भी नहीं है, आप सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला आता है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड में हम देखते हैं क्या, रिप्लेसमेंट प्राइस इज़ डिफाइंड एज द प्राइस एट विच इट इज़ पॉसिबल टू परचेज एन आइटम आइडेंटिकल टू दैट विच इज़ बींग रिप्लेस्ड और रिवैल्यूड। हमने एक मटेरियल को छोड़ा और उसकी जगह पर उसी के जैसा एक और मटेरियल हमने ख़रीदा, तो उसकी जो कॉस्ट आई वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। अंडर दिस मेथड मटेरियल्स इश्यूड आर वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो इसमें जो स्टॉक कैलकुलेट होता है वो रिप्लेसमेंट, जो इशू प्राइस होगा वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर होगा। इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, दिस मेथड इज़ इशू कॉस्ट रिफ्लेक्स द करंट मार्केट प्राइस। ये आपको करंट मार्केट प्राइस शो करता है क्योंकि लेटेस्ट वाला आ गया। बट द डिफ़िकल्टी जो है उसके अंदर ये है, इन्वॉल्व अंडर दिस मेथड इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ मटेरियल बिफोर ईच इशू। इसमें दिक्कत आती है कि आखिर भाई मार्केट प्राइस क्या होगा। आइए अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, रियलाइजेबल प्राइस मेथड। रियलाइजेबल प्राइस मेथड में क्या है कि जितने का वो बिक सकता है। दिस प्राइस मीन्स अ प्राइस एट विच द मटेरियल टू बी इश्यूड कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। आप जिस रेट पर इसे मार्केट में बेच सकते हैं आप उसी रेट पर इसे इशू करेंगे। दिस प्राइस में भी, और ये जो है आपकी कॉस्ट प्राइस से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद अगला आता है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। इस मेथड में क्या है, मटेरियल्स आर प्राइज्ड एट सम प्री डिटरमाइंड रेट। पहले से ही एक रेट डिसाइड कर रखा है, भाई 4 रुपये है, आपको 4 रुपये पर इशू करने हैं सारे, ठीक है। 15 रुपये इशू रेट है, आपको सारे इशू 15 रुपये पर करने हैं। इस तरह से एक स्टैंडर्ड प्राइस होता है और ये जो है एक्चुअल कॉस्ट के बराबर कैलकुलेट करने की इसमें कोशिश की जाती है, लेकिन मुश्किल होता है कैसे करें। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ यूजुअली फिक्स्ड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द करंट मार्केट प्राइस एंटिसिपेटेड मार्केट प्राइस। क्या रेट अभी है और आगे क्या रेट हो सकता है, इसे ध्यान में रखते हुए जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो कैलकुलेट किया जाता है। दिस मेथड फैसिलिटेट्स द कंट्रोल ऑफ मटेरियल कॉस्ट एंड टास्क ऑफ जजिंग द एफिशिएंसी ऑफ परचेस डिपार्टमेंट। अब ये सब कुछ डिपेंड इसी पे करता है कि परचेस डिपार्टमेंट कितना एफिशिएंट है, क्योंकि ये तो एस्टिमेट करने वाली बात हो गई, ये अंदाज़ा लगाने वाली बात हो गई कि क्या रेट इसका सही होगा। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है एक स्टैंडर्ड प्राइस जो है कैलकुलेट करना, खासकर तब जब प्राइसेस जो है मार्केट में ऊपर नीचे हो रहे हों। फिर है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। इन केस ऑफ मटेरियल दैट सफर्स लॉस इन वेट ड्यू टू नेचुरल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ऐसे मटेरियल जिसके अंदर प्राकृतिक रूप से या पर्यावरण के किसी भी फैक्टर की वजह से, कारण की वजह से उस मटेरियल में कमी आ जाती है, उसका वेट कम हो जाता है। एग्जांपल इवेपोरेशन, जैसे आप कोई केमिकल लाए, कोई मटेरियल लाए और वो हवा में उड़ जाता है या कम हो जाता है एक्सेट्रा। द इशू प्राइस ऑफ मटेरियल इज़ इन्फ्लेटेड। तो क्या होता है कि फिर इन्फ्लेटेड प्राइस मतलब रेट को बढ़ा के, हाई करके, फिर ऊँचे प्राइस के ऊपर वो जो मटेरियल है उसको इशू करा जाता है ताकि जो लॉस हुआ है उसको कवर किया जा सके। दोस्तों बड़ी मेहनत से ये आपके लिए मैंने 14 मेथड तैयार किए थे, और देखिए समझाने में भी कितनी मेहनत लगती है। तो इसको आप जो है अच्छे से पढ़ें, अपने नोट्स इसको अच्छे से तैयार करें। नोट्स तो आपको दे ही दिए हैं, ये आपको लिखने चाहिए, अपने आप तैयार करने चाहिए। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।